गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक्कड़ तेजस में। आज हमारे टूर का तीसरा दिन है और हम जाने वाले हैं दलों से। उससे पहले थोड़ा पेट पूजा करते हैं। पेट पूजा करने के लिए ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, तो हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट के टेबल पे मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स, लेट्स गो। आज सुबह का नाश्ता करने, नाश्ता में लाइट कर रहा हूँ, अब ज़्यादा भूख नहीं है इसलिए। पापा भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आज आप ज्वाइन कर नाश्ता करने। तो फ्रेंड्स, अब हम निकलने वाले हैं दलों से की तरफ। तो बस की जर्नी होगी तो ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, अगर तो शूट करने को मिला तो शूट करूँगा। चलो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय। फ्रेंड्स, हम चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं, थोड़ा सा हॉल्ट लिया, ब्रेक लिया। इसके बाद तो होटल जाना है, फ्रेश हो फिर लंच करना है। सो सोचा ज़रा ब्रेक में उससे बात कर लूँ। सो फ्रेंड, कैसे लगे आपको व्लॉग? अभी भी थोड़े से व्लॉग आए हैं और भी आने बाकी है। सो आपको फीडबैक देना मुझे कैसे लगे मेरे व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताना आपको। ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी मिलते हैं लंच पे, होटल पे जाएंगे, तब मिलते हैं। तब तक एंजॉय मेरे व्लॉग देखते रहना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँचे होटल के इधर। अभी चल रहा है, थोड़ा 2-3 मिनट का वॉक है, उसके बाद होटल रूम में चेकआउट करेंगे। चलो चलते हैं। एप्पल जूस नहीं पिया तो क्या पिया? सो चलो, वेलकम ड्रिंक है, एप्पल जूस है। एप्पल जूस पीते हैं, कैसा है पता तो आपको। आपको पता है लंच से पहले सूप पीना जरूरी है, सो हम सूप पी रहे हैं, स्वीट कॉर्न सूप। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, सूप पीजिए। चलिए, आप बोलते हो कि अकेला खाते हो, दिखाते नहीं क्या क्या है, तो आप दिखा रहे हो क्या क्या है। तो नॉनवेज के लिए फ्रेंड्स लाइट लंच। पापा नहीं करे, उनका पेट ठीक नहीं है। बाद स्वीट तो बनता है, आ जाओ फ्रेंड्स रसगुल्ला खाने, स्वीट कमांड गाइस। फ्रेंड्स, अभी रूम में आया, थोड़ा सा रेस्ट किया और मैं भूल गया था कि रूम टूर देने का, तो आपको रूम टूर देता हूँ मैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सब सामान वामान थोड़ा सा इधर उधर है, सो तो माइंड बंद करना। ओके फ्रेंड्स, रूम टूर देता हूँ। टीवी चालू है, विंडो ये बंदर देखा आपने? वे देखो बंदर, पापा सो गए, मेरे पैंट विंट सब इग्नोर करना, सब मेरे सब हो गए, बैग बिग सब रखे ले। ये चाय कॉफी के लिए किटर रखे ले, ये वॉशरूम बेसिक पता है क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। पापा जाग गए थोड़े, सोएरा छोटा सा, एसी भी है तो एसी की जरूरत नहीं है। छोटा सा रूम टूर हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ वापस, फिर मिलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ठंड में कॉफ़ी और पकोड़े का आनंद लेते हैं, चलो आप भी मेरे साथ आनंद लीजिए। डिनर कर रहे हैं अभी हम, लाइट डिनर कर रहे हैं। पापा भी खा रहे हैं, पापा को थर्ड लग रही है, थोड़ा लाइट डिनर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घुमक कर तेजस में। सो फ्रेंड्स, आज हमारे ट्रिप का चौथा दिन है, day 4 है। और सब फ्रेंड्स सॉरी, कल के लिए कल व्लॉग एंड नहीं किया क्योंकि पापा की ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मन नहीं किया था व्लॉग एंड करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी पापा ठीक है और पूरा एंजॉय करेंगे। सो अभी हम पेट पूजा करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट के टेबल पर मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जूस सैंडविच और फ्रूट्स खा रहे हैं। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड्स, हम अब जा रहे हैं दलोसे के साइड सीन देखने। अभी नाश्ता हो गया हम लोग का, साइड से भी क्या क्या है देखने के लिए, पूरा व्लॉग देखिए, स्किप मत कीजिए, आप भी एंजॉय करेंगे मेरे साथ। लेट्स गो फ्रेंड्स। हम आए अभी सरदार अजीत सिंह स्मारक की तरफ, स्मारक देखेंगे अभी। पीछे देख रहे हैं आप, अजीत सिंह की जो स्टैचू है वो लगाया है, तो अब पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ।
चलो चलते हैं अभी, ये देखिए स्मारक है, सरदार अजीत सिंह का स्मारक है ये। अजीत सिंह का पूरा इन्फॉर्मेशन देना आप पढ़ सकते हैं इधर सब, पूरा पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। समय है खजियार बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड है ये, हिमाचल में हिमाचल का मीन्स हिमाचल का नहीं पूरे अपने इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। और ये सेकंड डेस्टिनेशन है, अभी पूरा कवर करेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ, क्या क्या पॉइंट मीन्स क्या क्या हॉर्स राइडिंग में सब देखेंगे, अगर चांस मीन करेगा मीन्स हॉर्स राइडिंग करेंगे या वो दे आगे का बात है, अगर देखने को मिलेगा आपको हम दिखाएंगे, सब बने रहिए। और चैनल अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्किप मत किए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपका वीडियो देखने से हम मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है सब ब्लॉग बनाने में। सो बने रहिए, चले चलते फिर। और हम आए एंजॉय करने खजियार, देखते कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते बताए आपको, सब देखेंगे क्या क्या एक्टिविटी होती है इधर, एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करो हमारे साथ। फ्रेंड अभी स्विट्जरलैंड तो नहीं जा सकते तो हम मिनी स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, चलो वेलकम टू मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, चले अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स नज़ारा देखे कितना मस्त लग रहा है, माहिती पडतो मस्त नजारा आहे, एकदम सॉलिड लग रहा है इधर, पूरा ठंडा क्लाइमेट, स्विट्जरलैंड जैसा फील आ रहा है इधर, इसलिए मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं अब इंडिया। तो मैं आपको हस्बैंड और वाइफ के ऊपर सॉन्ग है, क्या बात है, पत्नी का नाम गुंगरी होता है, उसका हस्बैंड बोलता उसको कि नाच मेरी गुंगरी है, बोलता नाच ढोलकू के ताना, वाद्य यंत्र के ऊपर नाची है, तो वो अपने हस्बैंड से नखरे लगा के कहती कि मैं कैसे नाचूं, मेरे गले का हार पुराना हो गया, लक्के घाघरा पुराना हो गया, पांव के सूज पुराने हो गए, अपना ला के दो तब नाचू। घूम रहे हैं जरा, एकदम नज़ारा मस्त है, बैकग्राउंड देख सकते हैं आप, एकदम मज़ा आ रहा है घूमने में, धूप भी खिले, क्लाइमेट का बहुत साथ है, तो बारिश नहीं इसलिए और ज़रा मज़ा आ रहा है। ट्री देख रहे हो, देवदार का ट्री है, जिसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, चलो घूमते फिर, पेड़ भी बहुत मस्त है। और इधर जो गाय भी जो है वो इम्पोर्टेड है, स्विट्जरलैंड से मंगाया है गाय भी, मैं स्विट्जरलैंड का फील लाने के लिए। चलो चलते हैं और आगे, चलो हॉर्स पे बैठते हैं, घूमते हैं, थोड़ा पानी भी नहीं है, चिक्कल है, संभल के जाना पड़ता है, ट्री एकदम बहुत ब्यूटीफुल है इधर के, एकदम मस्त लग रहा नज़ारा। चलो घूमते हैं अभी आगे, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे, आप सिर्फ नज़ारा देखिए कितना ब्यूटीफुल है, पीछे आ रहे हैं, बैग पकड़े, बैग में जो सामान रखे हुए शूटिंग का, इधर उधर रख नहीं सकते, सो कैरी करना पड़ता है, कोई नहीं सब चलते हैं। असं राहुल म्हणून बघू यायचं फक्त बस, वरून सर वरून सर इकडून चलिए राहुल मारते
सदा चुकना पापा बोल रहे हो चुकी का क्या ये पापा डर हाँ पापा डरते हैं पानी की बाटली पापा बोलते क्यों लिया लेना पड़ता है मेरा थोबड़ा का शूट नहीं करूँगा आप सीनरी देखो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा तो फेस देखते रहते हो आप सब हाँ उधर जो घर दिख रहा है आपको उसका भी एक है कुछ मैं बताऊंगा आपको घर के पास जाने के बाद सो बने रहिए वीडियो स्किप मत कीजिए आप अभी घर के पास आपको बताया था मैं घर का कुछ हिस्ट्री है घर का हिस्ट्री बता रहा हूँ एक घर है ना जो 1942 मूवी के उसमें सीन में घर दिखाया था हम देख सकते घर उस मूवी में घर दिखाया था और जो गाय भी है वो सब स्विट्जरलैंड से मंगाए हुए गाय भी है गेम के एक्टिविटीज है पैराग्लाइडिंग और बलून बिलून सब कुछ है देख सकते हैं आप मौसम अच्छा है सब अच्छा है चले अभी चलते हैं वापस बस ये पैराग्लाइडिंग देखिए आप छोटी बच्ची डर रही बेचारी थोड़ा रिलैक्स मोड पे अभी थोड़ा घूम के आया जाओ रिलैक्स हो रहे हैं पापा बैठे साइड में मैं भी रिलैक्स हो रहा हूँ धूप खा रहा हूँ सन बात ले रहा हूँ और भी अभी सन बात ले रहे हैं धूप के मज़े ले रहे हैं क्लाइमेट अच्छा है इसलिए अच्छा घूमने को मिला है तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लंच करने जाने वाले हैं तो वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ किधर आया छोटा सा लेके इधर मछलियों का खाना डालना मना है दिखा रहे इधर बोटिंग नहीं होती इधर लोग भी फोटो वोटो ले रहे तो फ्रेंड्स देखिए साइड का छोटा सा लेक है मैंने बताया था ना ये नेचुरल लेक है और बर्फ के पानी से बना हुआ लंच करने फ्रेंड्स आज थोड़ी भूख लगी थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो माइंड मत करना पापा भी खा रहे हैं सो हम लंच का आनंद लेते हैं मिलते हैं बाद में ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स लंच के बाद कुछ बटा या शाही टुकड़ा खाते हैं हम पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अगर थोड़ा ठीक नहीं है इसलिए वो लोग नहीं खा रहे मैं खा रहा हूँ स्वीट आ जाओ फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स हम बोट राइडिंग पे आ रहे हैं सेफ्टी जैकेट पहने पापा भी बैठे सेफ्टी जैकेट कंपल्सरी है समझ लेते हैं बोट राइडिंग का जो है हम रावी नदी के बैक वाटर के ऊपर है अब इसके साथ दूसरी नदी जो है साइक रिवर है उसका नाम है सियोल रिवर सियोल रावी एंड सियोल जहाँ से हम निकले हैं वहाँ पे दो नदियों का मीट पॉइंट है दोनों को मैन मेड रोका गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए 540 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है चुमेरा वन से पर डे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ से दो स्टेट है पंजाब और दिल्ली अब इन दोनों के बैक वाटर की बात करूँ दोनों तरफ से तो 23 किलोमीटर बैक वाटर है डैम का सेंटर डेप्थ इसकी रहेगी जहाँ पे हम इस वक्त रुके हैं यहाँ पे डेप्थ रहेगी 750 फीट डीप से आप जितना पानी देख रहे हैं सर सारा ग्लेशियर वाटर है अभी थोड़ा ब्राउन दिख रहा है आपको शायद आपको ग्रीन दिख रहा है मुझे ब्राउन दिख रहा है ठीक है मुझे ब्राउन दिख रहा है अभी जो बारिश हुई है और पीछे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदियाँ बहाव के ऊपर है तो नदियाँ किनारे गाड़ती है तो इसलिए हमें ब्राउन दिख रहा है पानी नहीं तो यहाँ तक ये ड्रिंकिंग वाटर है सर प्योर ग्लेशियर मिल्ट होके आ रहा है इसमें और ये जो शेड बना है सामने ये पंप हाउस है यहाँ से हिल पे पानी जाता है ऊपर का पूरा गांव पीने के लिए यूज कर रहा है इसी पानी को और आर्मी कैंडोलॉजी में भी ये पानी पीने के लिए यूज किया जा रहा है अब ये दोनों नदी कहाँ से निकल दी है उनमें से रावी पवित्र मानी जाती है किस तरह रावी नदी का आगमन सर जनरल नॉलेज में पीर पंजाल बड़ा बंगाल से लगता है पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारा जो यहाँ का मनी मेज कैलाश मानसरोवर है उसके चरणों से होकर रिवर यहाँ तक आती है
इसमें गंगा जल मिक्स है, इसे हम पवित्र नदी मानते हैं सर। दूसरी रिवर मैंने बताई आपको सियोल, वो निकलती है साच पास। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चंबा, गर्मियों में डिस्ट्रिक्ट चंबा डलोजी घूमने आते हैं तो ग्लेशियर कहीं पर नहीं मिलता आपको, तो आप कई टूरिस्ट जो है साच पास ग्लेशियर देखने जाता है। तो संगम तक सियोल नदी का नाम रहता है, इससे आगे रावी कहलाती है सर। यहाँ से पंजाब, पंजाब से सीधा लाहौर में एंड है इसका। वैसे हमारा पंजाब यूज कर लेता है सर खेती बाड़ी के लिए, अगर हमारा पंजाब यूज ना करे तो डायरेक्ट लाहौर निकल जाती है सर। ये रही सर लेक के बारे में जानकारी। अब आपको मैं हिस्टोरिकल गांव बताने जा रहा हूँ जो अभी तक रोड से कनेक्ट नहीं है, गाड़ी नहीं पहुँचती है गाँव में, तो लोगों का डेली अप डाउन बोर्ड से रहता है सर। बैक साइड गाँव, ऊपर के जितने घर दिख रहे हैं ये नीचे आते हैं। अच्छा, ऊपर जाते कैसे लेके? सर बीच में ट्रैकिंग रास्ता बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं ना सर, तो उसी से डेली अप डाउन करते हैं। हमारे बैक साइड भी ऊपर गाँव, मतलब 2000 लोगों का परिवार वॉकिंग से जी। मतलब मार्केटिंग जाना हो तो आपने एक बोर्ड देखा जाता हुआ, एक बोर्ड वो गया सामने शहर के बाद, तो मार्केटिंग यहाँ से डलौजी बनीखेत सर, यहाँ से बोर्ड से चलेंगे, जहाँ से हम निकले वहाँ से बस पकड़ेंगे डलौजी बनीखेत मार्केटिंग। एजुकेशन की बात करें बच्चों की पढ़ाई की, फिफ्थ क्लास बच्चा अपने गाँव में पढ़ता है सर, 10 प्लस 2 के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? ये बोर्ड लगा दिख रहा है आपको किनारे पे, यहाँ पे उतरते हैं बच्चे, पूरा माउंटेन चढ़ते ऊपर, उसके काम में 10 प्लस 2। कॉलेज की बात करें तो 35 किलोमीटर बनीखेत कॉलेज या 35 किलोमीटर चंबा कॉलेज, टफ लाइफ है। बट ये हमारे लिए एक बार बंदा नीचे आया तो ऊपर जाने की बात ही नहीं, ऊपर गया तो नीचे आने की बात ही नहीं। आपको आप में से सर, हम तो आप बोले तो पतला रास्ता बना हुआ है ना पीछे बीच, अभी दिख नहीं रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं नीचे को। ये टफ लाइफ है सर, वाकई में टफ लाइफ है। बट मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे हिमाचल जो है, हिमाचल के बच्चे जो है ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, वो बैकवर्ड नहीं रहना चाहते हैं, तो हमारा हिमाचल जो है एजुकेशन में दूसरे स्थान पे पहुँच गया। तो ये सर आपकी सोच में टफ लाइफ है, बट हम समझते हैं टफ है, बट हमारी इजी है सर। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा सर, आप बड़ी बड़ी सिटियों से आए हैं, आप जो भी सामान खाने पीने का लेते हैं जैसे दालें चावल सब्जियां, आप बता सकते हैं वो प्योर है? नहीं, हमारा प्योर है सर, ऑर्गेनिक, खुद का उगा के। मार्केट से जो चीज आएगी, चीनी नमक कपड़े जूते बाकी सब कुछ अपने से, आप क्लाइमेट अच्छा है, खाना पीना प्योर, और चलना फिरना ज्यादा सर, यहाँ के लोग हेल्दी है सर, बीमारी नहीं है, फैट नहीं है, चश्मा नहीं है, घुटनों के दर्द नहीं है सर। गांव में सर बुजुर्ग लोगों की जीने की बात करूँ भी अभी भी तो 100 अप सर, मतलब 100 साल से ज्यादा ही जी रहे हैं फिर भी खेती बाड़ी करे सर। आप भी इतनी दूर से आए सर अच्छी सांस के लिए, शांति के लिए, तो आप एहसास कर सकते हैं सर। कहते हैं ना सर, सिटी में मनी ज्यादा है बट लाइफ बुरा मामा, ना लाइफ जीरो, लाइफ जीरो है सर सिटी में, हिमाचल में मनी कम है बट लाइफ हीरो है सर। बीमारी नहीं है तो खर्चे कहाँ होंगे सर, बीमारी होंगी तो खर्चे होंगे सर। तो मेरे नॉलेज में जो था मैंने आपको बता दिया, अगर आपके लिए मेरे लिए कोई क्वेश्चन पूछना। डिनर के शुरुआत हम सूप से पिक करते हैं, चलो सूप एंजॉय करते हैं।